चलिए अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आरजेडी के साथ गठबंधन के बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं की बढ़ी चाहत, कहा 2024 में नीतीश बने पीएम पद का चेहरा। आठवीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार के समर्थकों की डिमांड, नीतीश कुमार का विकास मॉडल पूरे देश में हो लागू। गिरिराज सिंह सीएम नीतीश पर हुए हमलावर, ट्वीट में लिखा सड़क पर ईमान धर्म बेचेंगे नीतीश जी और तेजस्वी के मॉल से खरीदेंगे ईमान। सुशील मोदी के वार पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार, कहा ना उपराष्ट्रपति बनने की चाहत न सीएम पद की चाहत। बिहार में जल्द होगा नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, मुख्यमंत्री नीतीश का बयान 15 अगस्त के बाद विस्तार की संभावना। पिता लालू यादव से मिलने दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव, जी मीडिया से बोले तेजस्वी आरजेडी नीतीश के साथ मजबूती से खड़ी, 10 लाख नौकरी देने का वादा करेंगे पूरा। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी खत्म करना चाहती है लोकतंत्र, मैंने कभी नीतीश को कुछ गलत नहीं कहा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा सीएम बनने पर करूंगा सभी वादे पूरे, ईडी को बताया पुलिस से भी बुरा, कहा बीजेपी के सीने पर सांप लौट रहा। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार के विरोध में बीजेपी का महाधरना, जिला मुख्यालयों में बीजेपी धरना देगी आज। नीतीश सरकार के विरोध में बीजेपी का हल्ला बोल जारी, 13 अगस्त को प्रखंडों में सरकार विरोधी धरना प्रदर्शन का आयोजन। मुफ्त चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा जनता की भलाई और अर्थव्यवस्था को नुकसान में संतुलन जरूरी है, केंद्र सरकार की दलील मुफ्तखोरी की घोषणाओं से आर्थिक विनाश की ओर जाएगा देश। पीएम के रेवड़ी कल्चर वाले बयान को तेजस्वी ने बताया है बकवास, जी मीडिया से बातचीत में कहा मुफ्त राशन क्यों बांट रहे थे पीएम। सुशील मोदी के उपराष्ट्रपति वाले बयान को नीतीश ने बताया बकवास, कहा नहीं तो उपराष्ट्रपति बनने की कोई भी इच्छा। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर सीएम नीतीश को बताया पीएम मटेरियल, का 2024 में बनना चाहिए उम्मीदवार तो बीजेपी का तंज, कहा बिहार में ही नहीं वजूद, प्रधानमंत्री पर सिर्फ दीवा सप। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ी है, अनुबंध खत्म करने के नोटिस से 3 जिलों के सहायक पुलिसकर्मियों की नौकरी पर खतरा, बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला तो सरकार का दावा दिया जाएगा सेवा विस्तार। सुशील मोदी के तंज पर तेजस्वी यादव का भी पलटवार, कहा केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी करती है गलत इस्तेमाल, विरोधियों को डराने धमकाने के एजेंडे का हुआ है पर्दाफाश। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान, बिहार से नई राजनीति की शुरुआत हुई है, ये शुरुआत बीजेपी को बहुत महंगी पड़ने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान, बीजेपी के नेता इतनी जल्दी निराश और हताश हो जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी, कल तक नीतीश कुमार एनडीए के नेता थे, कम से कम इतनी हल्की टिप्पणी से बचना चाहिए। राजधानी पटना में आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारी, जिले में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए निकाली गई है तिरंगा यात्रा। बिहार में नई सरकार बनने के बाद सुभाष के प्रदेश प्रभारी ने दी है अपनी प्रतिक्रिया, कहा नीतीश नहीं बने तो मोदी भी नहीं बन पाएंगे अगला पीएम। रेवड़ी कल्चर पर पीएम के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, कहा आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार के पास सैनिकों को पेंशन देने के लिए नहीं बचे पैसे। रेवड़ी कल्चर के तंज पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर पलटवार, कहा गरीबों के खाने पर टैक्स, अमीरों का 5 लाख करोड़ का कर्ज माफ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार से सवाल, अचानक फ्री की योजनाओं का विरोध क्यों, पेंशन से बचने के लिए लाई गई है अग्निवीर योजना। गृह मंत्री अमित शाह आज ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, शाह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों को पुरस्कार भी करेंगे प्रदान। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बलों ने कश्मीर को दहलाने की साजिश को किया नाकाम, बीते 2 दिनों में बड़गांव और राजौरी में मारे गए 5 आतंकी, आतंकियों से लड़ते हुए 4 जवान शहीद 2 घायल। कर्नाटक के कोप्पल में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प, 2 लोगों की मौत हो गई, 2 संप्रदाय के युवक युवती के बीच प्रेम संबंध को लेकर हुआ विवाद। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार, लूटपाट और डकैती के कई मामलों में वॉन्टेड था जाकिर अहमद। महाराष्ट्र के जालना में एक कारोबारी के ठिकाने पर आईडी रेड में मिला काला खजाना, 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना भी जब्त। कॉमेडियन राजेश श्रीवास्तव की हालत नाजुक, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए राजू,
जल्द स्वस्थ होने के लिए फैंस कर रहे हैं हवन पूजन। सीएम योगी ने भी परिजनों से की बात। गुजरात के आनंद में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। रक्षाबंधन मनाकर लौट रहे परिवार हुए हादसे के शिकार। कार, ऑटो रिक्शा और बाइक के बीच में टक्कर। कुश्ती खिलाड़ी दिव्या काकरान के आरोपों पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। बोले, इस तरह के रवैये से गिरता है खिलाड़ी का मनोबल। आपने आरोपों को किया खारिज। गुरुग्राम के उद्योग विहार मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन। क्लब मैनेजर समेत 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार सख्त। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर अब लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। जगदीप धनखड़ ने ली देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी नेता रहे मौजूद। गुजरात के जामनगर में भीषण आग। होटल में लगी आग से भारी नुकसान की आशंका। यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से भारी तबाही। 18 मकान नदी में डूबे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट। यमुना के आसपास बसे गांवों को खाली करने का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड और बादल फटने से 2 लोगों की मौत। अचानक आए सैलाब से नेशनल हाईवे भी बंद। जम्मू कश्मीर के सांबा में लगातार हो रही बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें। सैलाब में बाइक के साथ बह गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक छात्र। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ी से अचानक गिरा मलबा। सैलानियों से भरी बस हादसा होते होते बची। रामबन, भरमौर, कुल्लू में बादल फटने से तबाही। रामबन में 2 लोग लापता। कुल्लू में 10 दुकानें और 3 गाड़ियां बही। झारखंड में 2 दिन की लगातार बारिश बनी मुसीबत। रांची में रिम्स के हॉस्टल की जर्जर दीवार गिरी। 3 लोग घायल। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बेगूसराय में हथियार के बल पर रंगदारी मांग रहे 2 अपराधियों को भीड़ ने दबोचा। जमकर की पिटाई। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। आरा में एक महिला की रहस्यमय तरीके से मौत। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रामनगर के मढ़िया सरहे की घटना। पुलिस ने महिला के मामा से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नवादा में मवेशी को धक्का मारने की भीड़ ने दी है सजा। ट्रैक्टर चालक की पीट पीट कर हत्या। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। लखीसराय में अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम पर बालू माफिया का हमला। 2 पुलिसकर्मी घायल। 12 लोग गिरफ्तार। गुमला में प्रेम प्रसंग में हत्या। पिता ने गला दबाकर बेटी को मारा। जंगल में गाड़ा शव। पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची में विवाहिता ने 2 बेटियों के साथ दी जान देने की कोशिश। 2 बच्चियों को बचाया गया। महिला की मौत। लखीसराय में पुलिस ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई। 10 किलो गांजा बरामद। 1 तस्कर भी गिरफ्तार। पूर्णिया में पुलिस ने 2 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। 1 कार जब्त। आदापुर में आमरण अनशन पर बैठे वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर का राशि का उठाव करने का आरोप। भोजपुर में रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान के घर लाठी डंडे से लेस गुंडों ने बोला हमला। परिवार को जमकर पीटा। घटना का वीडियो वायरल। कूड़ा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद। लोहरदगा में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। मुंगेर में करंट की चपेट में आने से 1 किसान की मौत। खेतों में काम करने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर में सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग महिला की मौत। बरियारपुर थाना इलाके का पूरा मामला। भागलपुर में बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया है काबू। जहानाबाद में विदेशी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुंगेर में रक्षाबंधन पर स्कूली बच्चों ने मुंगेर एसपी जगुनाथ रेड्डी की कलाई पर बांधी राखी। एसपी ने जिलेवासियों को सुरक्षा का दिलाया भरोसा। भागलपुर में छात्राओं ने एसपी और पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। इस मौके पर छात्राओं में दिखा उत्साह। रांची में अमृत महोत्सव को लेकर बीजेपी उतरी सड़कों पर। बिरसा चौक से मोराबादी मैदान तक निकाली गई ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। लोगों से घर घर तिरंगा फहराने की अपील। अरवल जिला मुख्यालय में भाकपा माले नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बोकारो में अमृत महोत्सव को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई है प्रभात फेरी। इस कार्यक्रम में बीसीसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया।
खूंटी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल से निकाली तिरंगा यात्रा। इस कार्यक्रम में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा समेत कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा भी लिया। रक्सौल में आजादी के अमृत महोत्सव पर बच्चों में उमंग। कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। गया के शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर में 24 घंटे की अखंड पूजा की गई। इस दौरान गर्भगृह में मां मंगला की विशेष पूजा अर्चना की गई। मां की प्रतिमा पर 251 किलो दूध से दुग्धाभिषेक किया गया। 80 साल पहले शहीद हुए थे कुमार जगतपति। औरंगाबाद में शहीद के स्मारक पर सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन। रक्सौल में डाक विभाग ने आजादी के अमृत महोत्सव के लिए प्रभात फेरी निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग तिरंगा लेकर शामिल। बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 10 अभ्यर्थी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां सभी अभ्यर्थियों ने सफल अभ्यर्थियों का स्वागत किया। वीर शहीदों को किया गया याद। परिवार के सदस्य आज भी करते हैं गर्व महसूस। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के दौरान शहीद हुए थे 7 वतन के रखवाले। विक्रम के दुल्हन बाजार पालीगंज और नौबतपुर प्रखंड में पानी के अभाव में अब तक नहीं पाई है धान की रोपनी। प्रगति की दोहरी मार से किसान हताश और परेशान। खाद की कालाबाजारी और अधिकारियों की मनमानी पूर्ण रवैये को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों किसानों और अन्य संगठन ने नौबतपुर किसान भवन में दिया है धरना। मुंगेर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सक के नहीं रहने पर मरीज के परिजनों ने किया हंगामा, जमकर काटा बवाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को कराया शांत। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में नक्सल प्रभावित इलाके में एसएसबी के जवानों ने ग्रामीणों के बीच में बांटा तिरंगा। 1700 झंडे बांटे जाने के बाद फहराने का रखा गया है लक्ष्य। साहिबगंज में कांग्रेस ने गौरव पद यात्रा निकाली, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर भी शामिल। धनबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर मनाया गया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। किशनगंज में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर जश्न का माहौल। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। बिहार में महागठबंधन सरकार आने पर लोगों ने मनाई खुशी। वार्ड 42 के पार्षद के नेतृत्व में मिठाई बांटकर किया गया खुशी का इजहार। रक्सौल में राजद कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन की सरकार बनाने पर मनाया जश्न, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर की खुशी। सुपौल में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने समीक्षा बैठक की। बैठक में कई अहम योजनाओं पर चर्चा की गई। सस्ते हो सकते हैं सीएनजी और पीएनजी। तेल मंत्रालय ने किया पुरानी नीति को दोबारा लागू करने का ऐलान। अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव। इनकम टैक्स पेयर 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में नहीं हो सकेंगे शामिल। एक डिवाइस, एक चार्जर, मोबाइल, लैपटॉप किसी भी कंपनी का हो, अब चार्जर एक ही होगा। सरकार जल्द लेगी फैसला। डिजिटल लैंडिंग एप्स पर बढ़ेगी निगरानी। आरबीआई ने जारी किया नियमों का पहला सेट, कहा पेमेंट की वसूली थर्ड पार्टी से कराने की इजाजत नहीं। जिम्बाब्वे दौरे पर केएल राहुल होंगे इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान। शिखर धवन को बनाया गया है उपकप्तान। फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर भड़के इंग्लैंड का पूर्व क्रिकेटर मॉन्टी पनेसर, बोले फिल्म में भारतीय सेना और सिखों का अपमान हुआ। जिम्बाब्वे दौरे से पहले वॉशिंगटन सुंदर चोटिल काउंटी क्रिकेट के एक मैच में फील्डिंग के दौरान हुए हैं चोटिल। ऑस्ट्रेलिया टीम श्रीलंका दौरे पर, धनराशि को लेकर श्रीलंका के लोगों की मदद के लिए करेगी दान, लोग कर रहे हैं तारीफ। जैकलिन का खूबसूरत वीडियो आया है सामने। वीडियो में जैकलिन गाय को चारा खिलाते हुए आ रही नजर, वीडियो हुआ है वायरल। कीर्ति सनन ने मजेदार वीडियो किया शेयर, वीडियो में कीर्ति जमकर मस्ती करती हुई आ रही है नजर। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने क्रिस्टल डिसूजा के साथ प्यारा सा वीडियो किया शेयर, वीडियो में दोनों एक दूसरे को राखी बांधते हुए नजर आ रहे। काबुल में तालिबानी नेता रहीमुल्लाह हक्कानी की हत्या। शख्स ने हक्कानी के कमरे में घुसकर खुद को उड़ाया। तालिबानी नेता हक्कानी पर आत्मघाती हमला। सूत्रों के मुताबिक अंदरूनी रंजिश की वजह से हक्कानी की हत्या। कोरोना से बुरी तरह बिगड़ी थी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की हालत। किम जोंग उनकी बहन ने रोते हुए एक कार्यक्रम में खोला है भेद। कनाडा के टोरंटो में बिजली की समस्या से लोग परेशान। शॉपिंग मॉल से लेकर बैंक के कामकाज पर पड़ा असर, बिजली कंपनी ने दी है सफाई। लेबनान के बैरूत में बंदूकधारी ने बंधक बनाए गए बैंक कर्मियों को छोड़ा है। फ्रीज फंड का छोटा हिस्सा देने को राजी हुआ है बैंक। फ्रांस के जंगलों में आग लगने के बाद 10,000 लोगों ने छोड़ा अपना घर। फ्रांस में इस साल करीब 60,000 हेक्टेयर जंगल हो चुका है खाक।
पुर्तगाल के जंगल में आग लगने की वजह से नेशनल पार्क जलकर खाक, अब तक 10,000 हेक्टेयर जंगल आग से हुआ तबाह। हीट वेव से परेशान इंग्लैंड और वेल्स में 35 डिग्री तक पहुंचा पानी, यूरोप में इस साल भयंकर गर्मी से लोग हैं परेशान। ताइवान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा चीन के साथ अभी भी सैन्य खतरा, लेकिन ताइवान संघर्ष को नहीं बढ़ाएगा ना ही विवादों को भड़काएगा।